सो अभी हम ये स्वीट कॉर्न सो गाइज अभी हम गंडे बट अभी पीने के लायक नहीं रहा। फर्स्ट स्टेज में हम बादल के ऊपर खड़े, ये है जन्नत। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम श्रीनगर से चेकआउट करके गुलमर्ग जा रहे हैं। सो गुलमर्ग जो है वो अपनी स्की के लिए और गल्फ कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पे हम आज गंडोला केबल कार राइड करेंगे जो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की हाईएस्ट केबल कार राइड है। फर्स्ट नंबर कुछ चाइना में है। सो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं गाइज। गुलमर्ग में दो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। विंटर में शायद तक सेकंड स्टेज बंद रहता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे ही मतलब इतनी बर्फ़ होती है कि सेकंड स्टेज से भी ज़्यादा आप एंजॉय कर सको। सो लेट्स गो, देखते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, अभी हम तनमार्ग में है। गुलमर्ग जाने के लिए आपको सबसे पहले तनमार्ग आना पड़ता है। तनमार्ग से मतलब सिर्फ लोकल गाड़ी ही ऊपर गुलमर्ग तक जाती है। यहाँ से आपको कपड़े, जो यहाँ के वाटरप्रूफ जैकेट, शूज़ और कैप भाड़े से करनी पड़ती है, और गाड़ी भी यहीं से लेनी पड़ती है। यहाँ की गाड़ी जो होती है वो चैन लगा के फिर चलानी पड़ती है, क्योंकि ऊपर काफ़ी बर्फ़ होता है। सो लोकल गाड़ी या ही चलती है यहाँ पे, और वो भी चैन लगानी पड़ती है तब जाके वो चलती है, क्योंकि वो स्लिप ना हो जाए। यहाँ पे जो गाड़ी है, गाड़ी का चार्जेस कुछ 2000 रुपये है। गाइस ये तनमार्ग है, यहाँ से आपको चैन वाली गाड़ी करके फिर गुलमर्ग पे जाना रहता है। ये तनमार्ग ही बहुत खूबसूरत है। गाइस, जो मैं बार बार चैन वाली गाड़ी की बात कर रहा था, वो चैन टायर में इस तरीके से लगाई जाती है। हमारी गाड़ी के टायर विंटर टायर है, फिर भी ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण हमें ये चैन लगानी पड़ रही है।
गाइस प्लीज़ यहाँ पे लोकल ड्राइवर को ही लेके आए क्योंकि ये रूट काफ़ी डेंजरस है। गाइज़ ये गंडोला राइड का एंट्रेंस है, हमें यहाँ से ही गंडोला राइड के लिए जाना रहता है और आपको टिकट भी यहाँ से ही मिल जाएगी। सो गाइज़ अभी हम गंडोला बोलते हैं, गंडोला केबल राइड में है। ये कुछ 9 मिनट की है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। सो गाइज अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं। यहाँ पे ये कैफे है, यहाँ पे सब मिलता है स्नैक्स वैक्स। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम ये लेके आए स्वीट कॉर्न, इतनी सी है 100 रुपीज़ की। जब आप गंडोला करोगे तब आपको ऐसा कहा जाएगा कि गार्ड कर लो तो बहुत सही रहेगा। उसमें सिर्फ गार्ड का एक ही फ़ायदा रहता है कि गार्ड लोग को डायरेक्ट टिकट मिलती है। अगर आप लोग हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही रहेगा, आप थोड़ा वेट करके टिकट ले लो। सो ये है गुलमर्ग का फर्स्ट स्टेज, आपको दिखा। लोग अभी फर्स्ट स्टेज पे है। ये सेकंड स्टेज के लिए ये जो जा रही है गंडोला, ये सेकंड स्टेज के लिए पे ही है। सब एक्टिविटी यहाँ पे ही है। सेकंड स्टेज पे बस इतना है आपको हाइट पे ले जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं। और फर्स्ट स्टेज का कुछ 750 रुपये और सेकंड स्टेज का 1000 रुपये है। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेज पे आओ, वही बेटर रहेगा। ये भाई साहब को ठंडी नहीं लगती यहाँ पे, मस्त सोया हुआ है। गाइज अगर आप यहाँ पे आते हो कश्मीर में तो अगर पानी गर्म रहती है वो बॉटल ज़रूर लेके आइए, जिसमें पानी गर्म रह पाए ऐसी बॉटल ज़रूर लेके आइए, नहीं तो ऐसा होगा इसमें आदमी क्या पिएगा। बर्फ़ हो चुका है पूरा, हम नीचे से लेके आए थे पीने के लिए बट अभी पीने के लायक नहीं रहा। पूर्विशा यहाँ पे स्नो बना रही है, स्नोमैन। पापी वो मारी कैप, मेरी कैप की तो ऐसी की तैसी हो गई। हाँ बेटा देखो, उसने पुरीसा ने अपने जैसा एक स्नोमैन बनाया, उसकी शक्ल उसकी जैसी ही है। देखो ए, ए, ए दोनों की शक्ल दिखाओ, देखो। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ है जिसमें स्की और गल्फ कोर्स के लिए गुलमर्ग काफ़ी फेमस है।
स्की के लिए यहाँ पर पर्सन 1,000 से 2,000 और स्नो बाइक्स के लिए यहाँ पे 1,500 से 3,000 जितना चार्ज लेते हैं, बाकी वो आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। कैमरा आई क्यों पूरी सा बहुत जोर से गिरी, आप संभाल के चलो, बहुत गंदा सीन हो जाता है। ओह गॉड, गिरी है ये। गुलमर्ग का गंडोला केबल का फर्स्ट स्टेज ही है, दूसरा उससे ऊपर है, और फर्स्ट स्टेज में ही हम ये बादल के ऊपर है। सो गाइज, अभी हम गुलमर्ग घूम के हमारी होटल पे आ गए। आज हमारा स्टे गुलमर्ग में ही है। गुलमर्ग का होटल कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और हम कहाँ रुक रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये हमारा होटल है, पूरा बर्फ के अंदर, सन एंड स्नो। होटल के विंडो से बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कल रात हमने नाइट स्टे गुलमर्ग में की है। अगर आप चाहे तो आप श्रीनगर से जो गुलमर्ग का रास्ता है वो 2 घंटे का ही, आप चाहे तो आप श्रीनगर जाके भी यहाँ पे गुलमर्ग में घूम के श्रीनगर जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं, बट हमने गुलमर्ग में ही नाइट स्टे की थी। पता है क्यों? सो मैं आपको दिखाती हूँ क्यों गुलमर्ग में रहना चाहिए, नाइट स्टे करना चाहिए। सो देखते हैं। स्नो, विंडो खोलो और स्नो देखो, और बर्फ ही बर्फ। सो ये नजारा देखने के लिए देखो, मैं हाथ से ही बर्फ को छू सकता हूँ। हाँ, ये नज़ारा देखने के लिए गुलमर्ग में ज़रूर स्टे करें, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है यहाँ की मॉर्निंग। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।